So here we are to share about eating, how we feel, how we can face and how we can prevent. सबसे पहले eating है क्या? So today we are here because we know किसी का comment करना, किसी का पीछा करना, any unpleasant experience that may also result into harassment is eating. जब भी आपको एक unpleasant एक्सपीरियंस होता है, अनप्लेजेंट एक कोई भी जेस्चर हो सकता है, कोई आपको कैसे देख रहा है, और वो जेस्चर किसी से भी आ सकता है. इट कैन बी योर रिलेटिव, इट कैन बी योर कज़न, इट कैन बी एन आउटसाइडर, अ फ्रेंड, एनीवन. जब भी आपको वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, कोई कमेंट, कोई स्टॉकिंग, कोई फॉलोइंग, इट कम्स इनटू दिस कैटेगरी ओनली. एंड इन केस यू आर नॉट रिएक्टिंग इट, इन केस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, द सिचुएशन ओनली गोइंग टू गेट वर्सन. बी अलर्ट, आप किस जगह पे जा रहे हो. आई कैन ऑलवेज जज कि यार दिस प्लेस इज सेफ, दिस प्लेस इज नॉट सेफ. तो ऑलवेज बी अलर्ट एंड जज. एंड वेन एवर यू फील कि हाँ यहाँ पे मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो बेटा विड्रॉ करो. डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट कि अगर तब कुछ होगा तो आई डू. ऑलवेज विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन. सपोर्ट ईच अदर इन केस ऑफ एनी अनप्लेजेंट थिंग. कोई इस तरीके का माहौल बनाओ कि आप एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो. नदियों से हमने भरना है, है बहुत खूब ये देश मेरा, जहाँ इसे समर्पित करना है. है रखवाले हम भारत माँ के, हम अपना शीश नवाते हैं. आता मौका जब जब भी है, हम अपनी जान लुटाते हैं.
मेरे शब्द फौलादी ने, देशभक्ति मेरा शरीर है, ते इरादे इनकलाबी ने। भारत का युवा भगत सिंह जैसा होना चाहिए, जिनके हृदय में भारत मातर मर मिट जाने का जज्बा हो। जिस देश का इतिहास उसके युवाओं की कुर्बानियों से बना हो, उस देश के युवा में उत्साह की कमी हो ही नहीं सकती। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। The youth. Who is this youth that we keep talking about that is responsible for bringing about change in our nation? The youth is me. The youth is all of you, my young friends, sitting right in front of me. We always expect the youth to bring about change, to bring about growth and development in our country. But how many of us have actually reflected upon the idea that we ourselves are this very youth? How many of us are ready to take accountability of our own actions and wish to become pioneers of this very change, this very growth? Our nation's Independence Day, I am filled with a deep sense of pride and gratitude. This day marks not just a date
on our calendar but a milestone in our nation's history. A day when countless brave souls, driven by the ideals of freedom, justice and equality, fought to secure the liberty now we cherish. So, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई. आज 78th इंडिपेंडेंस डे है हमारा जो हम मना रहे हैं. पिछले 3 साल से हर घर तिरंगा के रूप में ये सो अवसर हमेशा मनाया जाता है. तो आज जो इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, हम सब ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी हुई है. हम सबको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. अगर हम एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया या इवन मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, तीनों तरह की हिस्ट्री में हमें दिखाई देगा कि फॉरेन से लोग आकर भारत को उस पर अटैक करते रहे, तो जाते जाते भी जो अंग्रेज़ थे वो भारत का विभाजन करके गए, और जो विभाजन की वजह से जनसंहार हुआ और जो आर्थिक साधनों की हानि हुई, वो उसने हमें एटर्नल पेन दी. हम सबको जो लोग देशभक्त हैं, हमें पता है कि उस समय लाखों लोगों ने किस तरह का दर्द सहा था. तो इवन आज़ादी के बाद भी अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो एक डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी हमें मिली थी जिसके 2 हिस्से हो गए थे. कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ रह गई थी और उनका रॉ मटेरियल बनाने वाले हिस्से पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ रॉ मटेरियल के सोर्सेज यहाँ रह गए थे और इंडस्ट्री जो थी वो पाकिस्तान में चली गई थी. तो एक अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप सबको पता है कि शुरू करी है. उसका पर्पज़ यही है कि अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान करना. बीच में एक वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, सर चार्ल्स वुड ने उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको भेजा था वो. ये वही टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन रूल को, इंडियन यूनियन को अपने अंडर लेने की, अपने कंट्रोल में लेने का सोच रही थी, जो कि 1857 में डायरेक्टली हुआ. तो सर चार्ल्स वुड ने लॉर्ड डलहौजी को ये मैसेज भेजा कि अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल दिया जाए, अगर लोगों के मन में ये भावना डाल दी जाए कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी भाषा है और जो ब्रिटिश एजुकेशन है, ब्रिटिश साइंटिफिक इनोवेशंस जो हैं, वही सबसे बड़े इनोवेशंस हैं, तो भारत का अपना एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है और साथ ही भारत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ तो हिंदुस्तान की कोई भी भाषा उस टाइम जानते नहीं थे, तो इंग्लिश में ही वो सारा जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन था वो चलना था. तो इस तरह से उस टाइम पे इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी. हालांकि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी स्कूल में पढ़ाई जानी थी, लेकिन कॉलेज में प्राइमरीली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाने लगा. तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी पूरी तरह बदल गया. अब NEP जो है अपने पुराने एजुकेशन की रिवाइवल की एक ये सार्थक प्रयास है. आप जानते हैं कि पुराने समय में भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जिनमें लाखों लोग बाहर से पढ़ने आते थे. तो एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल मैंने रिसेंटली पढ़ी तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि थॉमस एडिसन का नाम आप सब ने सुना होगा. उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, बल्ब का भी उन्होंने इन्वेंट किया था, एक ग्रामोफोन उन्होंने इन्वेंट करा था जिसमें कि ये वॉइस रिकॉर्ड होती है. तो ये जो एक इंसिडेंट है, ये HMV जो कंपनी है जो रिकॉर्ड्स बनाती है, उन्होंने एक बार ये इंसिडेंट पब्लिश करा था कि जब एडिसन ने ग्रामोफोन को इन्वेंट किया तो उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, तो इसमें किसी महान व्यक्ति की आवाज़ सबसे पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए. एडिसन अमेरिका में रहते थे, उन्होंने उनको ख्याल आया, उस टाइम के फेमस दार्शनिक थे मैक्स मूलर, तो उन्होंने मैक्स मूलर को एक पत्र लिखा कि मैं ग्रामोफोन में सबसे पहले आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा कि आपको इंग्लैंड आना पड़ेगा. तो उन्होंने शिप के थ्रू इंग्लैंड की यात्रा की और जब आवाज़ रिकॉर्ड की गई उनकी, तो इतनी तालियां बजी, क्योंकि लोगों को ये सुन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, खुशी भी हुई कि महान लोगों की आवाज़ें, किसी की भी आवाज़ें फॉर दैट मैटर, फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और जब वो लोग ना होंगे तो उस टाइम वो आवाज़ें सुनी जा सकेंगी.
जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद जब वो सुनाई गई ऑडियंस को, तो ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाई। फिर मैक्स मुलर ने पूछा कि आपको पता है मैंने क्या बोला है, तो लोगों ने वो भाषा कभी नहीं सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, मतलब ग्रीक या रोमन होती तो वो समझ लेते, जैसे हम कहते हैं कि इट्स ऑल ग्रीक एंड रोमन फॉर अस, लेकिन वो ग्रीक रोमन नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है और वो मंत्र था अग्नि मीले पुरोहितम, मतलब अग्नि ही पुरोहित है। अग्नि को आप देखिए कि ऋग्वेद का पहला मंत्र एक ब्रिटिश जो फिलोसोफर है वो पढ़ रहा है, उसने कहा है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे बोलने के लिए, क्योंकि अग्नि जो है वो पुरोहित है। ये हजारों साल पहले जब ऋग्वेद लिखा गया था, आपको पता है सबसे पुराना है ऋग्वेद, जब यह लिखा गया था उस टाइम सबसे पहला उसका मंत्र था, यानी अग्नि को ही पुरोहित माना गया है, अग्नि ही यज्ञ को शुरू करने वाली है। और आप सबको पता है कि हवन यज्ञ में अग्नि का कितना महत्व है, जितने भी हम होम डालते हैं वो अग्नि में ही डालते हैं, तो अग्नि ही यज्ञ को शुरू करती है। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे हमारा एक परसेप्शन बनी हुई है कि जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही हुए हैं, और जब हम अपने हज़ारों साल पुराने मंदिर देखते हैं तो उनमें साइंस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का, ज्योमेट्री का कितना इम्पॉर्टेंट रोल हमें दिखता है। तो दो दार्शनिक हैं जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है भारत में, जिनकी वजह से राधा पुनरुत्थान हुआ है हमारी सभ्यता का और हमारी भारतीय संस्कृति का, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो आपको पता ही है, आर्य समाज में भी बहुत योगदान है। जो संस्थाएं हैं, विशेष तौर से जो पुत्री पाठशालाएं हैं, वो DAV के अंतर्गत ही सबसे पहले खोली गई थी। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के थ्रू वेदों को समाहित किया है। आपको पता है वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो ईश्वर की कृति हैं, उनको मनुष्यों ने नहीं बनाया, उनको ईश्वर ने बनाया है। तो वेदों को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में समाहित किया है और वेदों का सार लिखा है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उनका जो दर्शन है, मैं स्वयं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ। उन्होंने वेदांता का सिद्धांत दिया है, अद्वैत वेदांता, जिसका मुख्य सार ये है कि मनुष्य और ईश्वर एक ही हैं, हम सभी एक ही तार से बंधे हुए हैं। तो हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति के लिए कार्य करें, इसके उत्थान के लिए कार्य करें, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी संस्था बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रही है, और हज़ारों बच्चे यहाँ से हर साल पास आउट होकर जाते हैं और वो स्वामी दयानंद सरस्वती के संदेश को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और इस संस्था की गरिमा को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो आज आप सब इतनी बारिश में इस महान कार्यक्रम, इसको एक अपना धार्मिक अनुष्ठान ही मैं कहूँगी जो राष्ट्र के लिए है, इसमें सम्मिलित होने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो मैं आप सबका, विशेष रूप से बच्चों का, स्टाफ मेंबर्स और सीनियर स्टाफ मेंबर्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय भारत।